हेलो नमस्कार सत श्री अकाल वड़कम दोस्तों, मैं दीपिका क्रेजी कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं। स्प्राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग की दाल को वॉश करके पानी में भिगो कर रख देंगे। ढक्कन लगाकर 12 घंटे के लिए रख दें। 12 घंटे के बाद दाल ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब भीगी हुई दाल को साफ कपड़े में बांधेंगे। और 2 दिन के लिए लटका देंगे। ये देखिए, अब हमारी दाल की रूट्स निकल आई हैं। अब हम स्प्राउट्स को पानी में उबाल लेंगे ताकि स्प्राउट्स हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 1/2 स्पून नमक डालेंगे। 1-2 उबाल आने के बाद स्प्राउट्स को हम छान लेंगे ताकि गर्म पानी निकल जाए। अब स्प्राउट्स बनाने के लिए हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू, चाट मसाला, मिर्च, अमचूर, नमक। अब हम स्प्राउट में कटे हुआ प्याज, खीरा, टमाटर डालेंगे और मिलाएंगे। हाफ स्पून चाट मसाला डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 स्पून अमचूर डालेंगे। 1/4 स्पून मिर्च डालेंगे। 1/4 स्पून नींबू निचोड़ेंगे और सब चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, हमारी हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे बने लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।